एक तो भाई बात यह है कि आपके जो मुर्शिद हैं अज़हर फ़िराक़ साहब, ये मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह अज़ीज़ हैं। एक रिश्ता मजीद है अपना, तेरा मुर्शिद मुरीद है अपना। तो एक रिश्ता, तो आप सबके साथ मेरा ये रिश्ता है कि एक रिश्ता मजीद है अपना, तेरा मुर्शिद मुरीद है अपना। तो मैं असल में ना फराक की ना मेरे दिल में बहुत जगह है, क्योंकि मुसलसल कई सालों दहाइयों से इसने बहावलपुर में ये अदब की और शायरी की शमा को कायम रखा है। ख़ुद तो ये बाकमाल शायर है ही, लेकिन साथ इसने अपने फ़न को, अपने फैज़ को अपने तक नहीं रखा, और आप जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लोगों को उनका मुरब्बी बना है, मेंटोर बना है, और ये बात बहुत खुशी की है। और इस दुनिया में जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की को हम तरक्की समझते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि मटेरियल साइंसेस की तरक्की असल में इंसान की तनजुली की तरफ एक रास्ता होता है, अगर पैरेलल जो है वो अदब में, लिटरेचर के अंदर और सोशल साइंसेस में तरक्की ना हो। लिहाजा आजकल के एआई के दौर में जितना ज़रूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी फ़लसफ़े को पढ़ाना है, अदब को पढ़ाना है और शेर को पढ़ाना है। तो बस मैं इससे ज़्यादा इस सिलसिले में कोई बात नहीं करता। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आप इन बच्चों के ज़िन में जो आपकी मोहब्बत है वो सारी इनके कंडक्ट से नुमाया है, और हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका फैज़ इसी तरह से जारी रहे। अब पता नहीं आप में कितनी हिम्मत है अब शेर सुनने की। तो मैं कुछ पेश करता हूँ। अच्छा अज़हर, ज्यादा इम्कान है कि ये गजलें आपने पहले नहीं सुनी हुई, ये मैं सिर्फ ताजा सुना रहा हूं। तू बता क्या पढूं दुआ के लिए, तू बता क्या पढूं दुआ के लिए, मान जा ए खुदा खुदा के लिए। तू बता क्या पढूं दुआ के लिए, मान जा ए खुदा खुदा के लिए। फूल गिरने लगे हथेली पर, हाथ उठाए थे बद दुआ के लिए। फूल गिरने लगे हथेली पर, हाथ उठाए थे बद्दुआ के लिए। इस कदर था धुआं मशीनों का, मैं तो रोने लगा हवा के लिए। इस कदर था धुआं मशीनों का, मैं तो रोने लगा हवा के लिए। और हुस्ने कामिल हो और हिजाब में हो, हुस्ने कामिल हो और हिजाब में हो, ख्वाहिशे चश्मे पारसा के लिए। हुस्ने कामिल हो और हिजाब में हो, ख्वाहिशे चश्मे पारसा के लिए। और वरना कुछ भी नहीं बना में सुखन, वरना कुछ भी नहीं बना में सुखन, चंद नाते हैं मुस्तफा के लिए। वरना कुछ भी नहीं, वरना कुछ भी नहीं बना में सुखन, चंद नाते हैं मुस्तफा के लिए। और जा तेरे इश्क को शफा ही नहीं, इससे बढ़कर कोई दुआ ही नहीं। जा तेरे इश्क को शिफा ही नहीं, इससे बढ़कर कोई दुआ ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सभी ने बांट लिया, अपने हिस्से का मैं बचा ही नहीं। थोड़ा 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 सभी ने बांट लिया, थोड़ा थोड़ा सभी ने बांट लिया, अपने हिस्से का मैं बचा ही नहीं। गैर बसने लगे मेरे घर में, मेरा अपना कोई रहा ही नहीं। गैर बसने लगे मेरे घर में, मेरा अपना कोई रहा ही नहीं। वो मेरा हाथ थाम सकता था, वो मेरा हाथ थाम सकता था, मैंने लेकिन उसे कहा ही नहीं। वो मेरा हाथ थाम सकता था, मैंने लेकिन उसे कहा ही नहीं। मैं भला क्या हिसाब दूं उसका, जो खुदा ने मुझे दिया ही नहीं। मैं भला क्या हिसाब दूं उसका, जो खुदा ने मुझे दिया ही नहीं। और आसिम भाई देखिएगा, ये जो होता तो जाने क्या होता, जिया ये जो होता तो जाने क्या होता, ऐसा लेकिन कभी हुआ ही नहीं। ये जो होता तो जाने क्या होता, ऐसा लेकिन कभी हुआ ही नहीं। और जो भी कुछ होता है उस होने पे शर्मिंदा हूं, जो भी कुछ होता है उस होने पे शर्मिंदा हूं, ज़ोफ़े गैरत है कि इस अहद में भी जिंदा हूं। जो भी कुछ होता है उस होने पे शर्मिंदा हूं,
ज़ौफ़ गैरत है कि इस अहद में भी जिंदा हूँ, वो जो कल थे वो मेरे आज के हैं जिम्मेदार, और अब मैं हूँ कि जो मुजदा आइंदा हूँ। वो जो कल थे वो मेरे आज के हैं जिम्मेदार, और अब मैं हूँ कि जो मुजदा आइंदा हूँ। ये तो सच है कि किसी काम से आया हूँ यहाँ, वरना मैं और किसी देश का बाशिंदा हूँ। और सब मुकर्रर है यहाँ कारगहे हस्ती में, मैं भी इस काम में एक छोटा सा कारिंदा हूँ। सब मुकर्रर है यहाँ कारगहे हस्ती में, मैं भी इस काम में एक छोटा सा कारिंदा हूँ। बस एक और ताज़ा गज़ल और फिर एक नज़म सुनाऊँगा, बस काफ़ी देर हो गई है। और मैं देखता हूँ जी, मेरे अफकार मेरे बाद भी याद आएंगे, मेरी तुर्बत पे पड़े फूल ना मुरझाएंगे। मेरे अफकार मेरे बाद भी याद आएंगे, मेरी तुर्बत पे पड़े फूल ना मुरझाएंगे। मेरी उंगली तेरे हाथों में रहे या न रहे, मेरे अशार तुझे रास्ता दिखलाएंगे। मेरी उंगली तेरे हाथों में रहे या न रहे, मेरे अशार तुझे रास्ता दिखलाएंगे। सर्द रातों की अजियत में जो लिखे थे कभी, एक दिन आपको वो गीत भी सुनवाएंगे। सर्द रातों की अजियत में जो लिखे थे कभी, एक दिन आपको वो गीत भी सुनवाएंगे। जिंदगी मेरे चले जाने पे हैरा जिंदगी मेरे चले जाने पे आंसू ना बहा, जिंदगी मेरे चले जाने पे आंसू ना बहा, हम जरा घूम के फिर लौट के आ जाएंगे। जिंदगी मेरे चले जाने पे आंसू ना बहा, हम जरा घूम के फिर लौट के आ जाएंगे। भूख इतनी है, भूख इतनी है कि इस बात से डर लगता है लोग औरों को नहीं खुद को भी खा जाएंगे। भूख इतनी है कि इस बात पे डर लगता है लोग औरों को नहीं खुद को भी खा जाएंगे। मैं तो खालिस है पर अयाग नहीं, ये बच्चों के लिए अयाग प्याले को कहते हैं। मैं तो खालिस है पर अयाग नहीं, हसरतें साहिब बलाग नहीं। मैं तो खालिस है पर अयाग नहीं, हसरतें साहिब बलाग नहीं। यूं तो लाखों हैं पर निदामत का मेरे दिल में कोई भी दाग नहीं। और तवज्जो दीजिएगा कि आप चाहें तो साथ ले जाएं, वरना जन्नत में कोई बाग नहीं। आप चाहें तो साथ ले जाएं, आप चाहें तो साथ ले जाएं, आप चाहें तो साथ ले जाएं, वरना जन्नत में कोई बाग नहीं। और बस ये एक नज़म है, और इस नज़म का उनवान है मंजिले मकसूद। पंजाबी गज़ल में देख दें यार जी, मैं देखता हूँ जी। तो शाम पई ते घर जाते ने सारे ही बंदे मर जाते ने, शाम पई ते घर जाते ने सारे ही बंदे मर जाते ने। ख्वाब भी छोटे बच्चियां वांगू अख खुले ते डर जाते ने, ख्वाब भी छोटे बच्चियां वांगू अख खुले ते डर जाते ने। पक्के तारू डुब भी जावन कच्चे भांडे तर जाते ने, और पक्के तारू डुब भी जावन कच्चे भांडे तर जाते ने। याद तेरी ये खुशबू वर्गी सारे कमरे भर जाते ने, याद तेरी ये खुशबू वर्गी, याद तेरी ये खुशबू वर्गी सारे कमरे भर जाते ने। अच्छा बस मैं ये एक नज़म बस सुना के, इसमें ज़रा तवज्जो चाहिए बहुत दोस्तों की। और इस नज़म का उनवान है मंजिल मकसूद। हम सब के जहन में अपनी मंजिल मकसूद होगी ना। बहुत मुश्किल बहुत तकलीफ दे रास्ता पड़ा था, अना का कोहे हैबत नाक भी आगे खड़ा था। ना कोई हम सफ़र मेरा ना कोई हम नवा था, मैं इस अनजान रास्ते पर अकेला चल पड़ा था। बहुत सी उलझने जो रास्ते की झाड़ियाँ बनकर मेरा दामन पकड़ती थी, बहुत से खौफ थे जो अजदहा बनकर मेरे आगे खड़े थे। बहुत से आग के दरिया हजारों मौत के मंजर, बहुत से वसवसों के दश्ते इबरतनाक भी फैले हुए थे। अकायद थे मसाइब थे जो बचपन से मेरे साथी थे, ऐसे सब मसाइल थे। हजारों शहर थे जो मेरे हर रस्ते में हायल थे। मैं अपनी ज़ात से पीछा छुड़ाता सब इम्कानात के पर्दे उठाता, जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा तो ये देखा वहां कुछ भी नहीं था, वहां बस मैं खड़ा था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।